रा भाइयों रे एक चीज कहनी थी, लव यू गुलजार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज गुलजार छानी वाले का गाना आ गया है। गाने का नाम है जुग जुग जीवे, जो कि हर किसी को पता था कि 10 अक्टूबर को ये गाना आने वाला है, बट सुबह सुबह ही गाना आ गया है। तो मैं हो गया हूँ थोड़ा लेट, बट एडजस्ट कर लेना, मेरे शक्ल पे भी आपको दिख रहा होगा कि मैं सोके उठाऊँ। तो यार मैं जैसे ही सोके उठा तो मैंने देखा कि गाना आ चुका है, तो इसका रिएक्शन वीडियो मैं करने बैठ गया हूँ। तो यार फाइनली गाना आ गया जुग जुग जीवे। तो कुछ टाइम पहले इसका जब मोशन पोस्टर आया था, तो मोशन पोस्टर देखे तो इतना कुछ समझ भी नहीं आया था, किसकी शादी है, कौन क्या बैंड बजा रहे, कोई गाना सिंग कर रहा है, कुछ नहीं पता। तो अभी गाने का वीडियो देखेंगे जब पता चलेगा। तो बाकी गुलजार छानी वाला के बारे में यही कहूंगा कि यार बंदा बहुत ग्रेट है, बहुत खतरनाक आता है। और हरियाणा लैंग्वेज को हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई गुलजार छानी वाले से बेस्ट मैंने अब तक कोई ऐसा नहीं देखा, जो कि कमर्शियल लेवल पे और अंडरग्राउंड लेवल पे भी मान लीजिए कि भाई हरियाणा लैंग्वेज को इतने अच्छे तरीके से कोई रिप्रेजेंट कर रहा हो। और भाई गुलजार छानी वाला उसमें से एक है, वो भाई बहुत अच्छे तरीके से हरियाणवी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हरियाणा के अंदर नहीं, अब धीरे धीरे बाहर भी गुलजार छानी वाले को लोग सुनने लगे हैं। और इतने कम टाइम में इतने बड़े लेवल पे मुकाम पे पहुंचना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए तो तालियां बजती है। और इन सब से हमें सीखना चाहिए कि यार कि हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी आगे तक पहुंचेंगे। तो बाकी जो गुलजार छानी वाले के फैंस हैं, उनको यही कहूंगा कि गुलजार छानी वाले को हमेशा सपोर्ट करो। जो जो से भी आपके फेवरेट आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट करो। और गुलजार छानी वाला यार देसी रिप्रेजेंट कर रहा है, हरियाणा भी रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने वहाँ का कल्चर दिखा रहा है, कैसे कैसे क्या होते हैं, अपने गांव की सीन्स दिखा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं दिखाता, हर कोई दिखाता है भाई गाड़ी दिखनी चाहिए, नंगी लड़कियाँ दिखनी चाहिए, दारू दिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे यार पब्लिक का वहाँ ध्यान जाएगा, पब्लिक उसको देखेगी, उनको व्यूज मिलेंगे। बट गुलजार छानी वाला अभी तक मैंने जितने भी रिएक्शन वीडियोज़ किए हैं, मैंने तो यार कभी कोई महंगी गाड़ी नहीं देखी, या कोई शो था जो फालतू के जो करते वो भी नहीं देखा, ना कोई ऐसा छोटे कपड़े में कोई लड़की देखी। भाई बंदा बिल्कुल प्योर है, गाता है, खाली लिरिक्स पे ध्यान रखता है। और लिरिक्स ही ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि यार लिरिक्स हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो यार एक आर्टिस्ट वही होता है जो अपने शब्दों से अपने आप को हमें कनेक्ट करा है। तो भाई मैं तो यार गुलजार छानी वाले के गाने सुनता हूँ तो मैं कनेक्ट होता हूँ। तो फाइनली अभी रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ बात कर लेता हूँ। बाकी गुलजार छानी वालों को तो यार मेरे से ज़्यादा आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि मैं तो अभी जस्ट कितना एक महीना भी नहीं हुआ गुलजार छानी वालों को सुनते हुए, बट आप तो उसको काफ़ी टाइम से सुन रहे हो, तो आप उनके कट्टर फैन होंगे। तो बाकी यार अगर रिएक्शन वीडियो में कुछ गलत हो गया हो या कुछ गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए अभी से ही मैं सॉरी बोल रहा हूँ। बाकी अगर आप गुलजार छानी वाले के फैंस हैं, अगर आपको मेरे रिएक्शन वीडियो पसंद आते हैं, तो एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा आपको कि नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे सजेशन जरूर करना कि और किस गाने का रिएक्शन वीडियो करूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो और भी गाने के मैंने रिएक्शन वीडियो किए हैं गुलजार छानी वाला के, तो ऊपर आई बटन दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल गाना स्टार्ट करते हैं, फिर गाने का वीडियोग्राफी देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और वीडियोग्राफी से एक चीज़ और याद आई कि यार मैंने पहले गाने कुछ देखे थे ना, तो उसमें वीडियोग्राफी ज़्यादा मुझे कुछ खास नहीं लगी थी। बंदा किस पे फोकस करता है, खाली भाई शब्दों पे, लिरिक्स पे, और लिरिक्स सारे के सारे खतरनाक होते हैं, फिर भी इतने सारे के सारे मिलियन व्यूज़ पहुंच जाते हैं, वीडियोग्राफी खास नहीं होती फिर भी। और भाई इस गाने में मुझे लग रहा है वीडियोग्राफी बहुत खतरनाक होने वाली है, और जितने भी सारे के सारे मुझे लग रहा है कि इसके जो दोस्त हैं वही वीडियोग्राफी में होते हैं, और जो पूरी पूरी जो टीम है गुलजार छानी वाला की शायद वही सारे के सारे वीडियो करते हैं। तो कोई बाहर से आर्टिस्ट नहीं लेते, जो कि बहुत अच्छी बात है, लड़की लेंगे तो लेंगे, बट भाई पूरे यार दोस्त में मिलकर पूरी की पूरी वीडियोग्राफी करते हैं, और वही पब्लिक को पसंद आता है। तो फिलहाल अभी वीडियो को सुनते हैं, गाने को सुनते हैं, फिर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओए ओ, आज तो मैडम के ब्याह का लड्डू खुआवांगे था ना भाई, लत्ते की ते मैडम का ब्याह। अबे देख ए, अरे तू ढंग से बजा, क्यों कर रहा है? ओ सही जुगाड़ लगा गया भाई। क्या तो चार छले आली तन लेगी गाल के, क्या तो चार छले आली तन लेगी गाल के, मेरा रो है सब राज खड़ा किला में, तन जुड़कने आप लाल चूड़ा ले लिया, ए मेरा प्यार था खिंडाया क्या ते तिल्ला में, ए जाए जुग जुग जीवे तेरा यार के तू भी जुग जुग जी लिए, ए जाए जुग जुग जीवे तेरा यार के तू भी जुग जुग जी लिए, ए जाए मर गया तेरा गुलजार सुन ले। यार ये तो बिल्कुल और गानों से बिल्कुल अलग हटके गाने हैं यार, ये मतलब पूरा वेरिएशन ही चेंज है। चारू मारे पैग नीट मोटर आले पानी में सोडाया हद करके, देखो
दिन मैं तो यार गेल पाड़ू चाले राता ने रो याद करके ओ दिन मैं तो यार गेल पाड़ू चाले राता ने रो याद करके हो बच्चे किले जोत बाल काजू पाले लाडले उन्हें दिखे ना सुआ के खाले लाडले छानी आले लग बैठी जगवा के तू भी जुग जुग जीने जाए जुग जुग जीवा तेरा यार के तू भी जुग जुग जीने जाए मर गया तेरा गुलजार सुन ले मैंने पूछा क्या ते छोड़ दिया बोली जैकिन वाला सुतरा से ए यो भी तो ए मानस से सड़क की जन्नत ते उतरिया से मेरे पीछे पाछे कर दे बोली तोड़ के डाच दर दूंगी के कह मैडम हम मुझे रात रात काटे मद भैया कल ही पाछे कर दूंगी हम मुझे रात रात काटे मद भैया कल ही पाछे कर दूंगी फिर के लाडले फिर मार का पलोंक बोली जी ले लाडले मारा हो गया से तलाक जी हो गया से तलाक जी क्यों कर भूलू मैं बस ऐप वाली मिट्टी मिट्टी रातां की वो बात जी रातां की वो बात जी क्यों कर भूलू मैं बस ऐप वाली मिट्टी मिट्टी रातां की वो बात जी रातां की वो बात ए मेरा राम फड़ के गाट सलमान तजे तन्ने यो ए कालू ब्याना था दिल तोड़ के भगवान का प्लान था तो लाडो दिल मिलाना था जे दिल तोड़ के भगवान का प्लान था तो लाडो दिल मिलाना था बहुत खेल खेल लिए मैडम असली रिश्ता का तो नहीं बिरा पटेगा अरे यार का किस है यार तो छड़ा से न्यू एक अच्छे काटेगा लंडा लाले राम राम हो गुलजार देख अगली से त्यार के तू भी जुग जुग जीने जाए जुग जुग जीवा तेरा यार के तू भी जुग जुग जीने जाए जुग जुग जीवा तेरा यार गुलजार छाने वाला यार अच्छा आगे भी अभी शो कराऊंगा शो हाथों मतलब मिला जागरण में मिला रुकने को गयो कोई तो यार वीडियोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी और गाने भी बहुत बहुत अच्छा लगा तो यार बंदा जो है भाई इस तरीके के होना चाहिए भाई जो हो रहा होंदे भाई अपना तो भाई बिंदास है बंदा सड़ा है भाई कोई टेंशन की बात नहीं है बट यार गाना मुझे बहुत प्यारा लगा गाने की वीडियोग्राफी मुझे बहुत प्यारी लगी और यार गुलजार छानी वाला का ना एक कोई सा भी गाना सुन लो तो यार मुझे एक चीज उसकी बहुत प्यारी लगती है और बहुत खतरनाक लगती है वो ये कि यार बंदा जब गाने के बीच में या स्टार्टिंग में या आखिरी में जब वो डायलॉग डिलीवरी करता है ना मतलब भाई उसकी आवाज के अंदर जो बेस दिखता है जो दम दिखता है और जो गुस्सापन दिखता है ना वो चीज मुझे बहुत प्यारी लगती है भाई एक एक्टर एक्टिंग लेवल वाली बात करूँ ना तो भाई एक्टिंग भी करना चाहिए भाई हरियाणवी मूवीज में ट्राई करना चाहिए गुलजार छानी वालों को या खुद की एक मूवी बना देनी चाहिए क्योंकि यार बंदे के भाई दम है भाई एक तो देखो फैन फॉलोइंग भी बहुत खतरनाक है और भाई डायलॉग डिलीवरी भी बहुत भारी वाली देता है तो सोच लो यार अगर मूवी बनाएगा तो भाई गुलजार अपना भाई तो यार मूवी भी बहुत सही अच्छी हिट होने वाली है तो यार बाकी गाने की बात करूँ गाना मुझे बहुत प्यारा लगा गाने के शब्द मुझे बहुत प्यारे लगे और जो वीडियोग्राफी थी वीडियोग्राफी भाई अब पहले जो मैंने गाने की रिएक्शन वीडियो बनाए थे तो शायद मैं गलत था शायद क्या पता उन दो तीन गानों में ही वीडियोग्राफी खराब थी बट अब के जो मैं गाने की रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ वीडियोग्राफी मुझे बहुत प्यारी लग रही है और स्टोरी लाइन मुझे बहुत प्यारी लग रही है और जो बोलने का मकसद है जो बोलना चाह रहे हैं गुलजार छाने वाला वो चीज़ मुझे बहुत प्यारी लग रही है और सबसे मेन चीज़ है कि भाई हरियाणवी लैंग्वेज को बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है तो जितने भी हरियाणवी वाले हैं तो भाई वो तो भाई गुलजार छाने वाले को फुल सपोर्ट कर रहे हैं तो यार गाने को फैला दो गाने को ट्रेंडिंग पे लेके आ जाओ तो अभी मैं फिलहाल एक घंटा लेट हो गया हूँ गाने का रिएक्शन वीडियो देने में तो बट अगर नीचे मैं कमेंट की बात करूँ व्यूज़ की बात करूँ तो भाई व्यूज़ दबा के आ चुके हैं ये मान लीजिए एक घंटे हुए हैं और अभी तक 3,000 व्यूज पार भी हो गए एक घंटे के अंदर और अगर कमेंट की बात करूँ तो भाई कमेंट दबा के हैं 5,000 कमेंट है
और कमेंट सारे के सारे भाई गुलजार छाने वाले के लिए होंगे, और ये होंगे कि भाई आई लव यू गुलजार छाने वाला, मैं गारंटी कह रहा हूँ। चाहे तो मैं आपको बताता हूँ हु इज रियल सपोर्टर ऑफ गुलजार छाने वाला। तो भाई आप सब जो वीडियो देख रहे हो वो तो रियल सपोर्टर है गुलजार छाने वाले के, और गुलजार छाने वाला भाई रॉक स्टार ऑफ हरियाणा, इसमें कोई भी शक नहीं है। हु इज बेस्ट, गुलजार छाने वाला और सुमित गोस्वामी? यार ये चीज़ ना मुझे बहुत घटिया लगती है। मैं किसी भी नीचे वीडियो में जाता हूँ ना तो सबसे बेकार मुझे ऐसे लोग ही लगते हैं जो नीचे मतलब कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई गुलजार छाने वाला अच्छा है या फिर सुमित गोस्वामी अच्छा है या फिर ये सिंगर अच्छा है या ये सिंगर अच्छा है, ये रैपर अच्छा है, ये रैपर अच्छा है। तो यार कंपेरिजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबकी अलग अलग फैन फॉलोइंग है, सबका अलग अलग गाने का तरीका है, तो बस अपने फैन फॉलोइंग तक ही रहना चाहिए, किसी को यार कंपेयर नहीं करना चाहिए। बाकी यार सुमित गोस्वामी के मैंने गाने नहीं सुने हैं, एक गाना सुना था भोलेनाथ करके, नहीं भोलेनाथ नहीं वो कोई गाना सुना था सुमित गोस्वामी के, तो भाई बाकी तो वो भी सिंगर बहुत खतरनाक है, और काफ़ी आप लोग फरमाइश भी कर रहे हैं कि सुमित गोस्वामी के गाने पे रिएक्शन वीडियो बनाओ, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि सुमित गोस्वामी के गाने पे भी रिएक्शन वीडियो बनाऊँ। बाकी आप भी मुझे फरमाइश करना कि कौन से गाने पे रिएक्शन वीडियो बनाओ, क्योंकि आप सब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हो, मुझे सपोर्ट कर रहे, तो मैं आपके ज़रूर रिएक्शन वीडियो बनाऊँगा। और बाकी गुलजार छाने वाला भाई खतरनाक है, लाइक कर दो, प्यार करो गुलजार छाने वालों को, भाई रियल सपोर्ट, भाई हर कोई गुलजार छाने वाला। देखो मैंने जो बोला था वो भी इसके अंदर लिखा है, न्यूडिटी भाई 1% भी गंदापन नहीं है, लग्जरी कार 1% भी नहीं है, लिरिक्स है पूरा का पूरा 100%, टैलेंट है पूरा का पूरा 100%, और ये कौन है अपना रॉक स्टार गुलजार छाने वाला। तो भाई ये एक टैलेंट होना चाहिए आर्टिस्ट के अंदर कि भाई शोशा करके व्यूज मत पाओ, शोशा करके अपने हिट मत करो, गाने की जो लिरिक्स है लिरिक्स पे ध्यान दो। और भाई गुलजार छाने वाले के लिरिक्स मुझे तो बहुत खतरनाक लगते हैं। बाकी यार एक गाना गुलजार छाने वाले का लीक हो गया है जो कि 1 मिनट का, शायद उन्होंने अपने भाई का, उनके भाई का चैनल है, किसका चैनल है उस पे उन्होंने अपलोड किया है। तो यार ये गलत बात है, गाने लीक नहीं होने चाहिए, बट बाकी एक आर्टिस्ट है जो इतनी मेहनत करता है फिर उसके गाने लीक हो जाते हैं, तो भाई दुख हर किसी को होता है, बट यार आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट फिर दोबारा गाने निकाल लेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता गाने लीक हो या क्या हो, बट ये है कि मेहनत खराब हो जाती है। बट बाकी आप लोग प्यार करते हैं तो भाई उन प्यार के आगे तो सारे के सारे झुक जाते हैं, और जितने भी हेटर्स हैं उनको तो यही कहूँगा कि भाई मत करो ये सब, यार बिंदास रहो और गुलजार छाने वाले को सपोर्ट करो, और भाई बाकी यही कहूँगा कि इंजॉय करो, मस्ती करो, और भाई हरियाणा लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। बाकी इंजॉय करिए, मस्ती करिए, और कुछ और रिएक्शन वीडियो हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, मैं उसका रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा। और बस बाकी कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना, और कुछ सुधारने की कुछ फरमाइश है कुछ और भी मैं सुधारूँ तो वीडियो में तो वो भी मुझे बताना, तो मैं उस पर थोड़ा अमल करूँगा। बाकी एंजॉय करिए, मस्ती करिए, लव यू और गुलजार छाने वाले के फैंस, प्यार करते रहिए गुलजार छाने वाले को, गाने सुनिए, गाने को मस्ती करिए, एंजॉय करिए, और गाने को भाई ट्रेंडिंग पे लेके आना है। 1 घंटे हो गए, इतने सारे व्यूज़ आ गए, तो आने 3 बजे तक तो मुझे लग रहा है गाना ट्रेंडिंग पे आ जाना चाहिए, और आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं तो भाई मुझे लग रहा है आ ही जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही है, कुछ और रिएक्शन वीडियो चाहिए तो उसका कमेंट करना, जब तक के लिए बाय बाय।